खबर की। मुंगेर में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से परिवारवाद और लालू परिवार पर जोरदार हमला बोला है। नीतीश कुमार ने कहा कि ये लोग सिर्फ अपने परिवार पर ध्यान देते हैं, पहले अपने मुख्यमंत्री बने, फिर पत्नी को बना दिया, बाद में नौ नौ बच्चा पैदा किया, उनको भी बनाया। सीएम ने कहा कि उनके लिए पूरा बिहारी परिवार है, कांग्रेस में परिवारवाद भरा हुआ है। तो सीएम नीतीश कुमार ने यह बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से लालू परिवार पर हमला बोला है। जो आज बहुत अपना प्रचार करते रहते हैं, तो क्या करते हैं, कोई काम है? हम ही बनवा दिए थे शुरू में, लेकिन बाद में हम देखा कि सब गड़बड़ कर रहे हैं, तो हमने तो छोड़ दिया, अलग हो गए थे। और आप समझिए, अपने हटे सात महीना में, और उसके बाद बीबी को बनवा दिए। अरे तब बना था लोग परिवार के लिए, यानी अपने हटे तब पत्नी को बनवा दिया, और बाद में नौ गो बाल बच्चा पैदा किया तब बेटी को बनाया, बेटा को बनाया, सब कुछ कहे कोई मतलब है? आप जरा बताइए, हम लोगों को देखे हैं आज तक, हम लोग कोई परिवार को करते हैं? हम लोग तो पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं, और ये लोग अपने परिवार के चलते काम करते हैं। तेजस्वी यादव के हिंदू प्रधानमंत्री वाले बयान पर अब बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने पलटवार किया है। मंगल पांडे ने कहा कि तेजस्वी यादव को इस देश का इतिहास पढ़ना चाहिए, मेरी सलाह होगी कि उनको इस देश की संस्कृति की भी समझ बढ़ानी चाहिए, और ये पुरातन देश है, इस देश में संस्कृति और इस देश में संस्कृति परंपराएं रही हैं। तेजस्वी जी उसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो तब उनको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तेजस्वी जी को इस देश के इतिहास को पढ़ना चाहिए, मेरा उनको सलाह होगा। तेजस्वी जी को इस देश की संस्कृति की भी समझ बढ़ानी चाहिए, और यह जो पुरातन देश है, इस देश की जो संस्कृति और परंपराएं रही हैं, तेजस्वी जी उसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो सब कुछ उनके मानस में स्पष्ट हो जाएगा। यह देश कैसा है, देश के लोग देश को कैसा रखना चाहते हैं, और देश कैसे आगे बढ़ेगा। और यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस। डॉक्टर साहब, से दो टुक कहा है कि जब तक मोदी जिंदा है कोई संविधान को हाथ नहीं लगा सकता। आरक्षण को लेकर भी विपक्ष पर प्रधानमंत्री ने वार किया। आपको जो रिजर्वेशन मिला है, आरक्षण मिला है,